देखिए क्वेश्चन नंबर वन है, इफ साइन एक्स इज इक्वल टू रूट फाइव अपॉन थ्री एंड पाई बाई टू इज लेस देन एक्स इज लेस देन पाई, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू एंड टेन एक्स बाई टू। ठीक है, एक्स की कंडीशन दी हुई है कि एक्स जो है वो पाई बाई टू से पाई के बीच में है, पाई बाई टू से पाई के बीच में है। इसका क्या मतलब हुआ कि एक्स जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में। ठीक, अब ये बताओ एक्स अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो एक्स बाई टू कौन से क्वाड्रेंट में होगा? देखिए एक्स इज इन बिटवीन पाई बाई टू टू पाई। ठीक, तो x बाई टू दोनों तरफ इस इन इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देते हैं तो सॉरी ये पाई बाई टू होगा। तो हमें क्या पता लगा कि जो x है वो पाई बाई टू से जब पाई के बीच में था तो x बाई टू कहां होगा? पाई बाई फोर से पाई बाई टू के बीच में, मतलब 45 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होगा, यानी कि सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। समझ आ रही नहीं? अब देखो साइन एक्स दिया हुआ है रूट फाइव अपॉन थ्री। साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है, तो इसको तुम क्या लिख सकते हो? रूट फाइव बाई थ्री। अब टेन एक्स बाई टू में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, मैं टेन एक्स बाई टू को टी मान लेता हूं अगर, तो टू टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू रूट फाइव अपॉन थ्री। ठीक है ना? तो सही है, तो ये हो गया रूट फाइव टी स्क्वायर माइनस सिक्स टी प्लस रूट फाइव इज इक्वल टू जीरो। अब आप इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आप लोग जानते हो, तो ये ब्रेक अगर करना चाहें तो ब्रेक हो जाएगा क्या? देखो प्रोडक्ट इसका कितना आना चाहिए? फाइव टी स्क्वायर, तो माइनस फाइव और माइनस वन में ब्रेक हो जाएगा, रूट फाइव टी स्क्वायर माइनस फाइव टी माइनस टी प्लस रूट फाइव इक्वल टू ठीक है, यहां से रूट फाइव टी कॉमन लेते हैं अगर, तो टी माइनस रूट फाइव, फिर माइनस वन अगर कॉमन लेते हैं तो टी माइनस इक्वल टू जीरो। तो रूट फाइव टी माइनस वन इंटू टी माइनस रूट फाइव इज इक्वल टू कितना? जीरो। तो टी इज इक्वल टू वन बाई रूट फाइव आएगा और टी इक्वल टू रूट फाइव आएगा, यानी कि टेन एक्स बाई टू हमें मिल गया। यहां तक कॉपी कीजिए, उसके बाद फिर मैं इसके आगे का बताता हूँ जल्दी से। अब देखिए tan x by 2 के लिए अपने पास एक तो 1 upon root 5 and tan x by 2 root 5 आया। इस वाली वैल्यू को हम neglect कर रहे हैं, तो आंसर हमारा कितना आ गया? tan x by 2 is equal to 1 upon root 5। अब इसको हमने neglect क्यों किया ये जानना है ना? ये यहां तक तो ये दोनों वैल्यू आ रहा था, फिर tan x by 2 1 upon root 5 और tan x by 2 root 5, तो मैं कह रहा हूं कि tan x by 2 जो है 1 upon root 5 ये आंसर होगा, ये आंसर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? जो देखिए x by 2 क्या आया, ये 0 45 डिग्री से जो है कहां तक? 90 डिग्री। अच्छा यहां तक है, तो तब तो ये वाला गलत है आंसर, ये नेगलेक्ट होगा, ये आंसर आएगा। देखिए tan 45 डिग्री कितना होता है? 1। ठीक, तो tan अगर हम x by 2 देखें तो ये 1
और ये tan x by 2 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। देखिए अभी आज मैं आप लोगों को ग्राफ भी बताऊंगा, tan का ग्राफ ऐसा होता है, ये हो गया 45 डिग्री और इधर हो गया कहीं 90। तो x by 2 जो है वो 45 से 90 डिग्री के बीच में है। अच्छे से समझना इस चीज को, x by 2 जो है वो 45 डिग्री से 90 डिग्री के बीच की एक वैल्यू है ना x by 2। तो उसका जब हम tan निकालेंगे तो देखो tan 45 तो 1 होता है, tan 90 अनडिफाइंड होता है, मतलब ये बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है। देख रहे हो यहाँ 45 से, मतलब 1 से तो बड़ा ही वैल्यू होना चाहिए ना, जब यहाँ मान लीजिए इसके बीच का कहीं कोई होगा तो 1 से तो बड़ा ही वैल्यू होगा क्योंकि 1 तो यहीं तक था। yes. ठीक है, 1 से जो है बड़ी वैल्यू होगी। अब ये वाली जो वैल्यू है ये 1 से छोटी है, नहीं है, बिकॉज इट इज लेस देन 1, सो दिस इज नेग्लेक्टेड। ये 1 से छोटा है तो इसीलिए इसको हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, समझ में आ गया। ये 1 से बड़ी वैल्यू है, सो दिस विल बी द आंसर, समझ गए। ठीक है, इसको फटाफट कॉपी कर लो। हमारे पास tan x by 2 कितना आ गया था, रूट 5, तो tan sin x by 2 और cos x by 2 ये बेसिकली निकाल सकते हैं, cos x by 2 भी तो फाइंड करना है। तो tan में ये होता है परपेंडिकुलर, तो रूट 5, और बेस कितना 1, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 6। तो sin x by 2 कितना हो गया, रूट 5 अपॉन 6, cos x by 2 कितना हो गया, 1 अपॉन रूट 6। ठीक है, तो ये आंसर आ गया, समझ गया। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। अब इसका प्रीति का कहना था कि सर हम डायरेक्ट साइन एक्स बाई टू की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो देखिए साइन एक्स कितना दिया हुआ है, रूट 5/3। साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू, हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दिया। अब देखो हमें कॉस एक्स बाई टू भी नहीं मालूम है और साइन एक्स बाई टू तो तुम फाइंड कर ही रहे हो, अब ये भी नहीं मालूम है और ये इसको भी पता करना है, तो पूरे इक्वेशन में एक ही अननोन होना चाहिए ना, तभी तुम उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसके लिए अपने पास एक तरीका ये था कि मैंने दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दिया, तो 2 का स्क्वायर 4, साइन एक्स बाई टू का साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, कॉस एक्स बाई टू का कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, इसका स्क्वायर कर दिया तो 5/9 हो गया। ठीक है शिवम, अब अगला काम क्या कर सकते हैं, 4 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इक्वल टू 5/9 ये लिख देते हैं। अब साइन स्क्वायर एक्स बाई टू को टी मान लो, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, 4t इंटू 1 माइनस टी इज इक्वल टू 5/9। आपने क्या माना है, लेट साइन स्क्वायर एक्स बाई टू को टी माना है, तो बाद में जब टी निकलेगा तो उसका भी रूट निकालना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि तुम्हें साइन एक्स बाई टू फाइंड करना है, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू नहीं फाइंड करना है। ठीक है, 4t माइनस 4t स्क्वायर 5/9, तो यानी कि 36t माइनस 36t स्क्वायर इज इक्वल टू 5, तो 36t स्क्वायर माइनस 36t प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे, तो देखिए इस तरीके से अपने पास ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो गया, पहले तो टी फाइंड करना पड़ेगा, फिर उसका भी स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, तो कैलकुलेशन हमारा बड़ा हो गया है ना। तो जहां कहीं पे भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो देखो क्या था, साइन 2x में 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, तो डायरेक्ट tan हम यहां से निकाल सकते हैं और tan निकल जाएगा तो साइन और cos भी अलग अलग निकाल लिया जाएगा। अच्छा cos 2x, अगर ये cos दिया होता तब हम ये फॉर्मूला लगा लेते नहीं, इससे भी डायरेक्ट tan मिल जाता, तो ये वाला फॉर्मूला लगाने का एडवांटेज क्या हुआ, tan मिल गया, उसके बाद sin और cos जो है हमने इजीली कैलकुलेट कर लिया। ठीक है गोलू, पक्का।
देखिए क्वेश्चन है, इफ कॉस एक्स बाई टू इज इक्वल टू 12 अपॉन 13 एंड एक्स लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन एक्स, कॉस एक्स एंड टैन एक्स. इफ एक्स लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट मींस दिस इज इन बिटवीन 0 टू पाई बाई 2, तो एक्स बाई 2 कहां होगा? वो 0 से पाई बाई 4 के बीच में होगा, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा. ठीक, अब देखिए कॉस एक्स 12 अपॉन 13, ठीक, तो देखो साइन, सॉरी एक्स बाई 2 है, चलिए तो टेन एक्स बाई 2 फाइंड कर लें, क्योंकि टेन एक्स बाई 2 अगर मिलेगा हमें तो साइन एक्स भी निकाल सकते हैं, कॉस एक्स भी निकाल सकते हैं और टेन एक्स भी निकाल सकते हैं. ठीक, तो टेन एक्स बाई 2 कितना होगा? देखिए बेस कितना हो गया 12, ठीक, और पर ये हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 13, तो परपेंडिकुलर कितना होगा? पाइथागोरस ट्रिपलेट. ठीक, तो टेन एक्स बाई 2 तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 5 अपॉन 12. अब देखिए फर्स्ट पार्ट, साइन एक्स को क्या लिखेंगे हम लोग? 2 tan x by 2 upon 1 plus tan square x upon 2. ठीक है, अब वैल्यू रख दो, हो जाएगा. tan x by 2 का क्या रखा जाएगा वैल्यू? 5 upon 12 कर लोगे ना. सेकेंड cos x निकालना है, तो ये 1 minus tan square x by 2 upon 1 plus tan square x by 2. ठीक, फिर थर्ड पार्ट, अगर आपको tan x फाइंड करना है तो ये 2 tan x by 2 upon 1 minus tan square x upon 2 हो जाएगा. जल्दी से इसको कॉपी कर लो. एग्जांपल 6 है, इफ अल्फा एंड बीटा बी टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स. अगर अल्फा और बीटा दो डिस्टिंक्ट, मतलब होता है अलग अलग, ठीक है, डिफरेंट डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स हैं, दो अलग अलग रियल नंबर्स हैं, सच दैट, ताकि अल्फा माइनस बीटा इज नॉट इक्वल टू 2n पाई. अल्फा माइनस बीटा जो है वो 2n पाई नहीं होगा, और n क्या है? फॉर एनी इंटीजर n, वेयर n इज n इंटीजर, जो एक इंटीजर होगा, मतलब माइनस वन, माइनस टू, वन, टू, फोर, फाइव, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, एन एक इंटीजर है. सेटिस्फाइंग द इक्वेशन ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू सी, देन प्रूव दैट फर्स्ट पार्ट ये, सेकंड पार्ट ये. कह रहे कि अल्फा और बीटा दो डिफरेंट रियल नंबर्स हैं, ठीक, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, और अल्फा माइनस बीटा जो है वो 2n पाई नहीं होगा. देखो 2n पाई नहीं होगा मतलब n इंटीजर है, मतलब कि ये 2 पाई नहीं होगा या 4 पाई नहीं होगा या 6 पाई नहीं होगा, समझ में आ रहा है ना. n की जगह पे 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, माइनस 1 रख सकते हैं, तो माइनस 2 पाई के बराबर नहीं होना चाहिए, माइनस 4 पाई नहीं, माइनस 6 पाई नहीं है, ये सारी वैल्यू. ठीक है, क्यों नहीं होना चाहिए वो भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब. देखिए ये इसका सॉल्यूशन है, कह रहा है ना सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, मतलब इसको जब सॉल्व करोगे तो थीटा की जब वैल्यू निकालोगे तो थीटा का आंसर अल्फा और बीटा आएगा. कैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हो तो एक्स के रूट्स अल्फा एंड बीटा से डिनोट करते हैं, उसी तरीके से यहां डिनोट किया गया. तो ये इसका सॉल्यूशन है, इसका मतलब कि अल्फा और बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा, क्या गलत है? अगर हम लिखते हैं कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन x इक्वल टू 1 बाई 2 है, तो वो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, मतलब x की जगह पे हम रखें तो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, मतलब कि जब x की जगह पे वैल्यू रखेंगे तो RHS के बराबर आता है. ठीक है ना, यहां समझ में आ रहा है कि नहीं? अब तो अल्फा रखा, उसी तरीके से a cos बीटा प्लस b sin बीटा, ये भी क्या होना चाहिए? c होना चाहिए. हाँ जी शुभम, आ रहा है समझ में? इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन और इसको सेकंड इक्वेशन, ऐसा कर लेता हूं, सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं.
सब्ट्रैक्ट करने पे होगा क्या, देखो इसको सब्ट्रैक्ट किया तो a कॉमन आ गया, तो cos अल्फा माइनस cos बीटा होगा, फिर b sin अल्फा माइनस sin बीटा होगा, और राइट साइड में तो जीरो हो जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम है यहां तक? शुभम आ रहा है आपको समझ में? नहीं आ रहा है बिल्कुल भी नहीं। क्वेश्चन समझ में आया था? क्वेश्चन किसको किसको समझ में नहीं आया बताओ, क्लियरली बताओ, ऐसे चुप रहने से काम नहीं चलेगा। क्वेश्चन नहीं समझ में आया? चलो तो एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। दिया हुआ है कि इफ अल्फा एंड बीटा बी टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स, ठीक है, यहां तक का मतलब समझ में आ गया ना? अल्फा और बीटा दो डिफरेंट रियल नंबर्स हैं, डिफरेंट मतलब दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। कहने का मैथमेटिकली कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि दोनों की वैल्यू बराबर नहीं है, ठीक। सच दैट, ताकि वो इस तरीके से है, ताकि अल्फा माइनस बीटा जो है वो 2n पाई के बराबर नहीं है, मतलब कि ये इनमें से किसी वैल्यू के बराबर नहीं होगा, ठीक है, वेयर n इज एन इंटीजर, ठीक। सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, सेटिस्फाइंग द इक्वेशन का मतलब क्या हुआ कि ये अल्फा और बीटा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है? संतुष्ट करना, मतलब उस वेरिएबल की जगह पे हम वो वैल्यू रखें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, ये इसका मतलब होता है ना। जैसे मैं लिखता हूं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, ठीक, तो x इक्वल टू थ्री और x इक्वल टू माइनस टू, इसका एक सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन है का मतलब क्या हुआ कि ये थ्री रखेंगे तो राइट के साइड मतलब जीरो के बराबर आएगा, माइनस टू रखेंगे तो वो भी जीरो के बराबर आएगा। तो हम इसको मैथ्स के लैंग्वेज में क्या कहते हैं कि x इक्वल टू थ्री एंड x इक्वल टू माइनस टू सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। आए समझ में? ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है? प्रीति आ गया? तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है मतलब थीटा जो है वेरिएबल है, तो थीटा की जगह पे अगर हम अल्फा रख दें तो भी सी के बराबर आना चाहिए, और थीटा की जगह पे बीटा रख दें तो वो भी सी के बराबर आना चाहिए। इसमें किसी को कोई तकलीफ? हाँ जी। अब हमने क्या यहां तक समझ में आ गया ना जो बताया? Yes. नहीं समझ में आया तो बताओ एक बार और, मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। सेकंड में से फर्स्ट क्यों घटा है वो देखते हैं। देखिए राइट साइड में तो जीरो हो गया ना, अब क्यों घटा अभी तक तो स्टेप करो तब समझ में आएगा, ठीक। इसका पर्पस क्या था? पर्पस इसका यह है कि कॉस अल्फा मतलब कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लग तो सकता है ना, है? यहां भी साइन सी माइनस साइन डी वाला फॉर्मूला लग सकता है ना। तो अगर कोई फॉर्मूला लग सकता है इसका मतलब हम जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आगे कुछ रास्ता निकल सकता है। मैं बार बार बताता हूं कि मतलब जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है उसको यूज करना है। कैसे यूज करना है ये हम देखते हैं। हाँ, ये अप्लाई कर सकते, कोई जरूरी नहीं कि ऐसे ही करेंगे तो आंसर आ जाएगा। आप ये देखो कि अगली बार ये सिंप्लीफाई कैसे हो सकता है। तो हमें यही दिख रहा था कि cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगा सकते हैं और इधर sin c माइनस sin d का फॉर्मूला लगा सकते हैं, cos c माइनस cos d, sin c माइनस sin d। अब लगा के देखते हैं, पूरा कैलकुलेशन तो अभी हम अपने माइंड में नहीं कर सकते ना, लिख के देखना ही पड़ेगा, ठीक। ये क्या होगा? 2 sin c plus d by 2 into sin c minus d करोगे तो माइनस लगाना पड़ेगा। ये अब किसी को कोई प्रॉब्लम है? यहां पे सही है? अब कुछ दिख रहा है? 2 साइन अल्फा माइनस बीटा कॉमन ले सकते हो कि नहीं? भाई 2 साइन क्या कॉमन आ रहा है? हाँ, ये अल्फा माइनस बीटा बाई 2 ही कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो यहां बच गया माइनस ए साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस बी कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इक्वल टू जीरो।
सही है यहाँ तक? यहाँ तक पहले लिख लीजिए आप लोग। कॉस अल्फा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा का ये फॉर्मूला होता है। टेन अल्फा प्लस बीटा बाई टू कितना आया था? बी बाई ए। वैल्यू रख दो 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ए स्क्वायर ऊपर का एलसीएम और नीचे का एलसीएम दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। फिर यहाँ पे ये फर्स्ट पार्ट हो गया तो 2 इंटू बी अपॉन ए, ठीक, और नीचे 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो 2 बी अपॉन ए इंटू ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल, तो 2 ए बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। देखिए एग्जांपल नंबर 5, प्रूव दैट, पीटी का मतलब क्या हो गया, प्रूव दैट कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू टेन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, ये हमें प्रूव करना है। सॉरी समझ गए, तो एलएचएस से शुरुआत करते हैं। कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये जो हम करने जा रहे हैं इसको आप लोग याद रखिएगा, अभी 12th क्लास में जब आप पहुंचोगे तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के अंदर ये कई जगह पे ये वाला टर्म दिखेगा, ठीक है, और उसको सिंप्लीफाई करके इस तरीके से लाना होगा, तो वहां याद रखना है, ठीक। कॉस एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं बताओ, 1 ये ऐसा लिख लेते हैं 1 माइनस 2 साइन, या ऐसा कर लो टेन में ही लिख लो, है ना, टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक हो गया। नीचे 1 माइनस इसको क्या लिखें, 2 टेन एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। शुभम अगर ऐसा लिख दिया तो तुमको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? हाँ जी आपको। अब इसका क्या करना चाहिए अगले स्टेप में, एलसीएम ले लेना चाहिए। तो एलसीएम जब लेंगे तो ऊपर 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक सही है ना, अच्छा नीचे नीचे देखिए ध्यान से, ये एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 2 टेन एक्स बाई टू, ठीक, ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एलसीएम दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब देखिए इसको 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, नीचे देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 मतलब ए इंटू बी उस फॉर्म में है, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, जिसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस टेन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। अब ये 1 का मतलब क्या हुआ, 1 स्क्वायर, ठीक है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1 माइनस टेन एक्स बाई टू इंटू 1 प्लस टेन एक्स बाई टू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है, इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं। तो 1 माइनस टेन एक्स बाई टू से एक टर्म ये गया, ठीक। अब ऊपर बच गया 1 प्लस टेन एक्स बाई टू और नीचे 1 माइनस टेन एक्स बाई टू, मैं इस 1 को टेन पाई बाई 4 लिख दूं तो किसी को कोई परेशानी तो नहीं है, ठीक है जी, बोलो। ये 1 माइनस इस 1 को वैसे छोड़ देते हैं, अच्छा यहाँ पे तो 1 भी मल्टीप्लाई होगा, तो इसको हम लिख दें अगर टेन पाई बाई 4 इंटू टेन एक्स बाई 2, तब किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये दिखने में कितना अच्छा लग रहा है, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन 1 माइनस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा, जिसको हम टेन पाई बाई 4
प्लस x बाय टू इक्वल टू आर एच एस लिख सकते हैं। Yes, sir. समझ में आ गया? Yes. चलो जितना जल्दी समझ में आ गया उतना ही जल्दी इसको लिख लो। tan 6 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 66 और tan 78 डिग्री हमें ये 1 के बराबर प्रूव करना है। तो ऐसा कर लेते हैं, हमने साइन ए साइन बी, साइन ए कॉस बी या कॉस ए कॉस बी इसका फॉर्मूला पढ़ा है, tan का तो नहीं पढ़ाया, नहीं पढ़ा है तो कोई खास दिक्कत नहीं है। इसको हम साइन 6 डिग्री और साइन 66 डिग्री, साइन 42 डिग्री और साइन 70 डिग्री न्यूमरेटर में लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। टू से यहां मल्टीप्लाई और यहां, टू से फिर यहां और यहां मल्टीप्लाई करते हैं, टू साइन ए साइन बी क्या आएगा, कॉस ए माइनस बी, ठीक है, कॉस ए माइनस बी तो 60 डिग्री माइनस कॉस 72 डिग्री, माइनस ठीक है ना, ये है साइन 42 डिग्री। तो साइन 42 डिग्री जो है इसमें भी लगा लें क्या फॉर्मूला, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई और ऐसे कर दें, तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस बी यानी कि 36 डिग्री माइनस कॉस ए प्लस बी यानी कि 120, ठीक, नीचे कॉस ए प्लस बी यानी 72 डिग्री प्लस कॉस ए माइनस बी यानी कि कॉस 66, ये हो जाएगा कॉस, ऐड कर देंगे तो 180 डिग्री प्लस कॉस 36 डिग्री, ठीक। कॉस 60 डिग्री कितना, रूट 1/2 माइनस कॉस सर 180 किसे होगा कितना, सॉरी 120, ठीक, कॉस 36 डिग्री, कॉस 120 डिग्री देखिए कितना होगा, हाँ क्या, चलिए जाइए तो मारो, कॉस 120 को कॉस 180 माइनस 60 लिख सकते हैं, यह गलत है, ऐसा लिख सकते हैं, तो ये कितना आ जाएगा माइनस कॉस 60 यानी कि माइनस 1/2 प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 1/2, सही हो गया ना, ठीक। नीचे देखते हैं कॉस 72 डिग्री प्लस 1/2, ठीक, फिर ये कॉस 120 कितना माइनस 1/2 यानी कि कॉस 36 डिग्री माइनस 1/2, ठीक है। अच्छा कॉस 36 डिग्री की वैल्यू कितनी थी, रूट 5 माइनस 1/2, ये था क्या, कितना था देख के बताना, 4 होगा, और साइन 18 डिग्री की रूट 5 प्लस 1/4 और ये था रूट 5 माइनस 1/2 माइनस, इसको साइन 18 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक, 90 माइनस 18, ठीक है, तो कॉस का साइन, ठीक, ये कॉस ऑफ 36 डिग्री प्लस 1/2 सही हो गया, नीचे कॉस 72 ये साइन 18 डिग्री प्लस 1/2 और ये कॉस 36 डिग्री माइनस 1/2, ठीक, वैल्यू रख दें 1/2 माइनस साइन 18 डिग्री कितना हो गया रूट 5 माइनस 1/4, ठीक, कॉस 36 यानी कि रूट 5 प्लस 1/4 और प्लस 1/2, ठीक हो गया, नीचे कितना रूट 5 माइनस 1/4 प्लस 1/2, ठीक,
ठीक है, यही हुआ ना रूट फाइव माइनस वन अपॉन, फिर नीचे कितना रूट फाइव प्लस वन अपॉन फोर माइनस वन बाई टू, सही है। फटाफट इसको कॉपी कर लीजिए। ये वाला नीचे उसके नीचे 36 माइनस 1 अपॉन 2, हां तो 1 अपॉन 2 है इधर कर दिया और उसका वैल्यू वहां पर रखी 120 का। cos 120 डिग्री कितना था माइनस 1 बाई 2, ठीक है तो इसको हम इधर लिख चुके हैं तो ये भी तो माइनस में था cos, नहीं 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 ये यहाँ पे किया ना, ये cos 36 इधर आ गया, ये वाला इधर आ गया और ये यहाँ आ गया, ठीक तो है तो cos 36 माइनस 1 बाई 2 cos 36 की वैल्यू रख दी, सही लिखा हुआ। फोर ऊपर का एलसीएम, इसका फोर एलसीएम, तो फोर जब एलसीएम होगा तो टू माइनस रूट फाइव प्लस वन, ठीक इसका भी फोर एलसीएम तो रूट फाइव प्लस वन प्लस टू, ठीक नीचे का भी देखो फोर ऊपर का एलसीएम, ऊपर का जब सारे एलसीएम तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे रूट फाइव माइनस वन प्लस टू, सही है ना रूट फाइव माइनस वन प्लस टू, अच्छा ठीक ठीक ठीक, ये थ्री प्लस रूट फाइव, नीचे रूट फाइव माइनस वन और रूट फाइव प्लस वन और ये रूट फाइव माइनस वन, तो ऊपर कितना नाइन माइनस फाइव कितना हो गया है फोर, नहीं और नीचे भी फोर दैट इज इक्वल टू वन, और अच्छे से सही है। तो ठीक है ना, ये जीरो होगा, देखिए ये जीरो हो नहीं सकता है बिकॉज अल्फा माइनस बीटा 2n पाई के बराबर नहीं है, नहीं है ना, यानी कि अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 n पाई के बराबर नहीं है,
देखिए साइन जो है वो जीरो होता, एक्स जीरो होता है, एक्स जब जीरो हो, पाई हो, टू पाई हो, फोर पाई हो, साइन 180 डिग्री कितना होगा, जीरो, साइन 360 डिग्री कितना होता है, जीरो, ठीक है। तो यानी कि ये न तो जीरो है, न ही 180 है, न ही 360 है, न ही कितना है 540 है, मतलब देखो पाई का, पाई में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 1, 2, 3, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, मतलब पाई में एक नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है। वैसे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में और पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का कौन सा है, तो 2 तो वैसे भी 0/2 जीरो नहीं हो जाएगा, 2 तो कांस्टेंट टर्म है, ठीक। यानी कि ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता, यानी जब भी जीरो होगा तो यही जीरो होगा, समझ में आ रहा है। तो यानी कि b cos अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू a sin अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, यानी कि tan अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू b अपॉन a, ठीक है। यहां समझ में आ गया, इसको जल्दी से फटाफट कॉपी कर लीजिए।